अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम छोटे। अरे तू कब आया यार पटना से? आज ही तो सुबह आए हैं। आज ही सुबह आया? अच्छा क्यों आ गए? क्यों छुट्टी उट्टी हो गई क्या यार? हाँ छुट्टी उट्टी हो गई है। खैर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक ठाक चल रही ना? हाँ ठीक चल रही है। अच्छा अच्छा, वही एक किताब पढ़ रहा था, है ना? बहुत अच्छी किताब है ये। किस राइटर की किताब है ये? रिचन भाई एम एस अली। वाह डिजाइन विजाइन तो बहुत अच्छा है। काफी अच्छी किताब है। एम एस अली की नई किताब है इसकी? नहीं इस पे कोई इनाम उनाम नहीं है इसकी, इसमें कोई प्राइज वराइज नहीं है। इनाम की नहीं बात कर रहा हूँ, प्राइज। अरे तो प्राइज प्राइज मतलब तो इनाम ही ना होता है। नहीं इसकी कीमत कितनी है? अच्छा कीमत वाले प्राइज की बात कर रहे हो? हाँ। तो प्राइज है वो PRICE, इसे प्राइज पढ़ोगे? प्राइज नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि ये ज कहाँ है? सीई से ज कैसे हो जाएगा? PRICE में प्राइस होने के बजाय प्राइज कैसे हो जाएगा ये ज? प्राइज तो वो है PRIZE जिसका मतलब इनाम होता है, पुरस्कार होता है। ये कौन से प्राइज की बात कर रहे हो यार? पटना रह करके पढ़ रहे हो, तुम्हारे अब्बू जान तुम्हारे लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर से तुमको है ना वो पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और प्राइज लगाए रखे हो। खैर इसकी कीमत 300 रुपए है। 300 तो बहुत ज्यादा है, इतने में तो 4-5 किताबें आ जाएंगी। 4-5 किताबों से मतलब नहीं है, ये 20-25 किताबों की एक किताब मानी जा सकती है। 20-25 किताबों की, मैंने इंटरव्यू सुना था इनका एम एस अली का, ये बता रहे थे कि मुझे इस किताब को लिखने में 8 साल लगे हैं, मैंने 20-25 प्रकाशन की किताबें पढ़ डाली, उसके बाद काफी रिसर्च करने के बाद ये किताब हम आपको 300 रुपए में दे रहे हैं, है ना? और 20-25 किताबें उनको खरीदने में लगभग 2,500-2,500 रुपए लग गए होंगे, और उन 20-25 किताबों का निचोर है ना अपना अनुभव, अपने कुछ रिसर्चेज, समझाने के नए तरीके, सरल तरीके, सुगमता पूर्वक, ये सारी चीजें तुम्हें 300 में मिल रही है, तुम्हें ज्यादा लगता है। दूसरी चीज, इस किताब की कोई भी चैप्टर निकाल लो, कोई भी चैप्टर, ठीक है, और बाकी के पब्लिकेशन के भी कुछ चैप्टर निकालो, दोनों में जब तुम मैचिंग करते हो ना तो ये तुम्हें काफी अलग दिखता है। हर एक चैप्टर, एमिजार का हो, वॉल्सबर्ग का हो, हेरेजेड का हो, टेंस हो, मॉडल्स हो, हर एक चैप्टर को इतना एडवांस और इतना सुगमता पूर्वक बताया हुआ है ना, और इसमें खुद राइटर साहब की खुद इसमें अपना तजुर्बा है, अनुभव है, जो बाकी किताबों में तुम्हें वो देखने को वो चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसे 15-20% चीजें हैं। वोकैबुलरी पे भी इतना अच्छा काम हुआ है इसमें, वोकैबुलरी पे, कि एक ही इंग्लिश वर्ड के कई कई हिंदी भी दिखाई हुई है, है ना? जैसे कि तुम देख लो, है ना, अनकाइंड या क्रूल का मतलब निर्दय होता है, यही जानते हो ना, बेरहम भी है, बेदर्दी भी है, पत्थर दिल भी है, हरजाई भी है। अब बताओ इतने सारे शब्द की एक ही अंग्रेजी है, अनकाइंड या क्रूल, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? सिर्फ निर्दय है। हिंदी वर्जन, उर्दू वर्जन, इंग्लिश वर्जन, फारसी वर्जन के जितने भी वर्ड्स हैं हमारी बोलचाल की भाषा में आते हैं, उन सबको समाहित किया हुआ है। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, मैंने स्पोकन वर्ड किसी बुक में हजारों नहीं देखे, इसमें 1003 स्पोकन वर्ड दिए हुए हैं अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में, छोटे छोटे जो वाक्यांश आते हैं, कीप क्वाइट, चुप रहो, शट अप, चुप रहो, गो देयर, वहां जाओ, गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहां से, है ना, बी इन योर लिमिट्स, औकात में रहो, ऐसे अनेकों स्पोकन वर्ड्स बहुत बारीकी से और बहुत सुगमता पर उसमें दिया हुआ है। मैंने ये किताब जब से पढ़नी शुरू की है तब से मैं मानता हूं कि 300 रुपए दाम कोई ज्यादा नहीं है, जिस तरह का कंटेंट उन्होंने दे रखा है, है ना? और यूट्यूब पर उनका मैंने इंटरव्यू भी देखा था, वो खुद बता रहे थे कि मैंने काफी जद्दोजहद करने के बाद ये किताब लिखी है, और 300 रुपए इंसान तो 250 रुपए का रिचार्ज करा देता है, है ना, और आलतू फालतू की चैटिंग फैटिंग सेटिंग करके अपना वो 250 रुपए 28 दिनों में खत्म कर लेता है, लेकिन ये बुक 300 रुपए की बुक कितने महीने कितने साल तक हमारे पास रह सकती है, कितना कुछ इससे सीखा जा सकता है, कितना कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं तो नहीं मानता हूं कि ये 300 रुपए ज्यादा है, है ना, ऐसे में इंसान कितने पैसे खर्चा वर्चा कर देता है, है ना। दूसरी चीज, कभी भी अच्छी चीजों से समझौता नहीं किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। मार्केट में ही देख लो, 200-300 की जींस भी आती है और 2-3 हजार तक की भी आती है, 100-150-200 रुपए की शर्ट भी आती है और 1,000-1,500-2,000 तक की भी शर्ट आती है, लेकिन हम क्वालिटी देखते हैं ना, हम ब्रांड देखते हैं ना, जिसका है ना लास्टिंग अच्छा हो, जो ज्यादा दिन तक चल पाए, जल्दी डिसकलर ना हो पाए, वैसे कपड़े चुनते हैं ना, पैसे नहीं देखते वहां पे। लेकिन किताब अगर कोई अच्छी है, काफी बेहतर है, काफी बाकी सबसे डिफरेंट है, तो उसमें हम पैसे देखने लगे। अरे पैसा मायने नहीं रखता है मेरे लिए, ये किताब तुम ले जाओ एक बार, पहले पढ़ लो, हर एक चैप्टर को डीपली पढ़ना, हर एक चैप्टर को पढ़ना, और उसके बाद आकर बोलना कि भाईजान कीमत बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है, और हाँ प्राइस अगर बोला ना तो तेरा कंजबरा लाल कर दूंगा। प्राइस नहीं,
प्राइस, PRICE, प्राइस कहते हैं उसे, प्राइज नहीं, ठीक है। ये किताब लो और हाँ बढ़िया से पढ़ के कल मुझे बताना कि ये किताब कैसी है, MS अली की जो बुक है ये कैसी है और उन्होंने इस पर कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। कितने दिन रहने वाले हो अभी? यही 5-7 दिन। 5-7 दिन हो ना, तो तुम आराम से 24 घंटे रख लो इस बुक को, 24 घंटे में हर एक चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद कल मेरे से आकर रिव्यू देना इसका, ठीक है। ठीक है।